अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्लॉगिस्तान। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी नई रेसिपी लेके आज मैं आपके सामने फिर आई हूँ। और आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है अफगानी पुलाव। फिर अफगानी पुलाव की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अफगानी पुलाव के लिए मैंने लिए हैं 1 kg सेला चावल और उन्हें मैंने 1 घंटा पहले नीम गर्म पानी में डिप किया था। और अब आपको दिखाने के लिए मैंने फिर से इन्हें वॉश किया है नीम गर्म पानी से ही, और पानी अभी इसके अंदर है क्योंकि आज मैंने चावल बॉईल नहीं करने, मैंने यखनी में ये चावल तैयार कर। अफगानी पुलाव के लिए मैंने बीफ लिया है 1 kg और ये बिना हड्डी के हैं और इसके पीसीज हमने बड़े रखने हैं इसलिए मैंने ये बड़े पीस मंगवाए हैं। और इसमें थोड़ा सी हम चर्बी यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी यखनी अच्छी बनती है और पुलाव का टेस्ट और भी अच्छा आता है। नमक लिया है मैंने 3 से 4 चम्मच, आप हसबे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 2 टीस्पून। जीरा पाउडर मैंने लिया है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और अफगानी पुलाव में लोग ज़्यादा यही इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो अफगानी पुलाव उसका जो जायका और उसकी खुशबू हो और अच्छी हो। गर्म मसाले का पाउडर है ये हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। ऑयल मैं यूज़ करूँगी 1 कप। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। चीनी ली है मैंने 3 से 4 चम्मच। मेवा मैंने लिया है 1/2 पाव और आप देख सकते हैं कि मैंने ये छोटा वाला मेवा इस्तेमाल किया है। बड़ा मेवा जो है ये चावलों का जायका ख़राब करेगा और फैल जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि ये मेवा आखिर तक बिल्कुल ठीक रहेगा। सो आप कोशिश करें कि आप यही मेवा इस्तेमाल करें। बादाम मैंने लिए हैं 100 ग्राम और छिलका इनका मैंने उतार लिया है। 4 दूध मैंने गाजरें ली हैं और इसे मैंने इस तरह लंबे रुख से काट लिया। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत बारीक काटने की, आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं मोटी वाली। आपको दिखाया था उसे अब मैं स्लाइस करके आपको बता रही हूँ कि मुझे कितने बड़े पीस चाहिए। मैंने इतने इतने बड़े स्लाइसेस किए हैं, अभी इन्हें मैं फ्राई करूंगी और आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने अगला काम क्या करना है। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। ऑयल आपको बताया था इसमें 1 कप मैंने डाला है, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसका अंदाज़ा है। आप चाहें तो माप के डाल लें या आप भी अंदाजे से डाल लें, पर डालना 1 कप ही है। दो अदद प्याज मैंने बड़ी ली थी वो काटी हैं और अब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। प्याज मैंने फ्राई के रखे हैं, अभी थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है लेकिन मुझे इसका आज पूरा कलर चेंज कर दिया था। 1 kg बीफ है ये गोश्त और मैंने थोड़ी सी चर्बी वाला गोश्त दिया था क्योंकि मुझे इसकी यखनी बनानी है। अब हम इसे फ्राई, ऐड करी हूँ नमक 2 चम्मच, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाले का पाउडर 1 चम्मच। शान का आपको मैंने
जीरा करारा मसाला दिखाया था, ये भी डालूंगी एक चम्मच। बीफ जो मैंने मसाले में डाल के भुना था और इसमें मैंने गरम मसाला और जीरा पाउडर डाला है, और उसके अलावा दो चम्मच मैंने नमक डाले हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी सूखा धनिया जो मैंने आपको बताया था, ये भी एक टेबलस्पून। और व्यूअर्स अगर आप इधर होते तो आपको इसकी खुशबू से अंदाज़ा होता कि हमारा अफगानी पुलाव कितना अच्छा पकने वाला है। गोश्त की दोनों साइडें अच्छी तरह से चेंज कर लेनी है ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से रच जाए, ठीक है। और अब हम इसमें 1.5 लीटर पानी डालेंगे क्योंकि मुझे इसे गलाना भी है और मुझे यखनी भी इसी में बनानी है, तो डालेंगे 1.5 लीटर पानी। डेढ़ लीटर पानी डालें। धनिया, जीरा और करारा मसाला जो मैंने आपको बताया था, गरम मसाले का पाउडर, वो मैं डाल चुकी हूँ। और मेरी काली मिर्च रह गई थी वो मैं अभी ऑन किया है। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने 3 गाजरें जो कटिंग करके रखी हैं, अब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं और आपको फिर मैं दिखाती हूँ कि उन्हें मैंने कहाँ पर यूज़ करा। चीनी मैंने ली थी 3 चम्मच, इसे हमने मेल्ट करना है। जब तक यखनी तैयार हो रही है साथ हम ये भी अपना काम कर लेते हैं। ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के, गाजर ऐड कर रही हूँ मैं। दो से 3 मिनट तक इन्हें हम इसी में फ्राई करेंगे ताकि जो शीरा वो अच्छी तरह से गाजरों के साथ मैच हो जाए और हमारी गाजरें अच्छा कलर ले लें। गाजर अच्छी तरह से शीरे में मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी बादाम जो मैंने लिए थे और आपको दिखाए भी थे, 100 ग्राम बादाम मैंने लिए थे वो इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ जो मैंने मेवा लिया था और मैंने आपको बताया था कि ये 1/2 पाव है, ये भी साथ जाएगा। जब तक हमारी यखनी होती है मैंने कहा चलें टाइम बच जाएगा तो आपको ये भी बता दूँ कि इसे अच्छी तरह से फ्राई करके आपने रख लेना। गोश्त गल के तैयार हो चुका है और यखनी देख लें आपकी इतनी रह गई है। मैंने 1.5 लीटर पानी डाला था और तकरीबन ये यखनी मेरी इतनी सी है कि इसमें मेरे चावल जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे। और उसके अलावा जो चावल मैंने भिगोए थे और मैंने बताया था कि मैंने गर्म पानी मैंने भिगो के रखा है और मुसलसल मैं उनका पानी गर्म ही चेंज करती हूँ, नीम गर्म पानी में डालती रही हूँ और मैंने ठंडा नहीं होने दिया ताकि हमारे चावल अच्छे तरीके से गल जाएँ। बीफ निकाल के मैंने सारा अलग रख लिया है। यखनी में मैंने चावल डाल दिए और आप देख लें कि इसी यखनी में ये चावल होने हैं, पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना और बस इसे हम 5 मिनट के बाद अब दम पे लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि चावल मेरे हो गए हैं और बिल्कुल इतना से इसमें यखनी रह गई है। अब मैं इसे दम पे लगाने लगी हूँ और चावल हमारे तैयार हैं।
गोश्त निकाला था, इसे मैं दम में साथ ही लगाऊंगी। आप चाहें तो गोश्त के छोटे पीसीस भी कर सकते हैं। चार से पाँच मिनट दम लगाते हैं, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चावल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं और ये जो मैंने आपको गाजर और हर चीज़ के मिक्सचर बना के रखा था, आप चाहें तो इसे दम के साथ लगा दें, चाहें तो आप बाद में इसे चावलों के साथ सर्व कर लें। मैं इसे बाद में डालने वाली हूँ। आप चाहें तो बीफ को सब चावलों में मिक्स भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इस तरह से इकट्ठा भी रख सकते हैं, जिसे जितना चाहिए उतना ले ले। और ये जो मैंने गाजरें, बादाम और ये मेवे लिए थे, उसे आप देखें मैं उसे बीच में इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने चावल डिश आउट किए तो मेरा जो कैमरा है वो ऑफ हो गया, और उसे ऑन होने में, उसकी बैटरी को चार्ज होने में तकरीबन घंटा लग जाना था, इसलिए मैंने सोचा आपको मैं मोबाइल से ही तमाम इसका जो एंड है अफ़गानी पुलाव का आपको दिखा दूं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो भी और रेसिपी अच्छी लगेगी, और आप मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल का आइकॉन बटन तो लाजमी दबाइए ताकि मेरी वीडियो नेक्स्ट आपको जल्दी से जल्दी मिले। आपको नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।